26 जुलाई 2008 को गुजरात के अहमदाबाद में 70 मिनटों के बीच हुए 22 धमाके कर दहशतगर्दों ने जो तबाही मचाई उसकी सजा का फैसला आ चुका है। साल 2008 में 22 जुलाई को जिधर देखा उधर तबाही का मंजर था। इस बॉम्ब ब्लास्ट में 56 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। दहशतगर्दों ने कुल 24 बम लगाए थे। करीब 14 साल बाद 2008 अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट केस में स्पेशल कोर्ट का फैसला आया है। अदालत ने 49 में से 38 दोषियों को मौत की सजा सुनाई है, बाकी 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा मिली है। आपको बता दें कि धमाकों की जिम्मेदारी हरकत उल जिहाद अल इस्लामी ने ली थी। अहमदाबाद को दहलाने वाले सीरियल ब्लास्ट मामले में गुजरात की विशेष अदालत ने अहम फैसले में जिन लोगों को फांसी की सजा मुकर्रर की है उनमें से एक बुलंदशहर का भी मूल निवासी है। टाइम 24 की टीम कोर्ट में दोषी माने गए शकील के पैतृक गांव पहुंची, जहां ग्रामीणों ने टाइम 24 को बताया कि शकील के पिता 3 या 4 दशक पहले गांव छोड़कर चले गए थे। हालांकि ग्रामीण ये भी दावा कर रहे हैं कि ग्रामीणों के प्रति शकील के परिवार का व्यवहार एक अच्छे पड़ोसी का था और उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि इस गाँव का लड़का इस तरह की देश विरोधी वारदात में शामिल हुआ है। साल 2008 में गुजरात के अहमदाबाद में हुए सीरियल ब्लास्ट में वहाँ की विशेष अदालत ने 49 में से 38 आरोपियों को दोषी मानते हुए सजाए मौत दी है, जबकि उनमें से 11 आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। उनमें से एक आरोपी जो दोषी माना गया है शकील पुत्र यामीन बुलंदशहर के गांव लोहारका का रहने वाला है और टाइम 24 की टीम इस वक्त उसी गांव में मौजूद है। हालांकि वो परिवार यहां के गांव वाले बताते हैं कि 50 साल पहले ही करीब पलायन कर गया था। जो उनके पड़ोसी हैं उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर जो परिवार था इनका कहना है कि बच्चा तो यहाँ नहीं पला था लेकिन जो परिवार था उनकी कैसी एक्टिविटी थी, क्या कुछ रहा था यहाँ पर। मग यहाँ तो परिवार रहता था उसका शकील का। हाँ। उनका व्यवहारिक जीवन कैसा था यहाँ सब गांव में? बहुत बढ़िया है उनका। हाँ, अब उस वाली है भैया जब औलाद ऐसे निकल जाता क्या करें। आपको जानकारी तो हो गई होगी उनका यामीन का जो बेटा है शकील। हाँ। उसको गुजरात में फांसी की सजा हुई है। अच्छा। बम धमाके वाले मामले में। अच्छा। कई लोग मारे गए थे उसमें। अच्छा। तो भाई हुई होगी हमें ना खबर। कोर्ट ने उन्हें दोषी माना है तो इस फैसले को क्या मानती हैं आप कोर्ट का फैसला? भैया कोर्ट का फैसला हम क्या जाने कैसा हो और क्या हो फैसला। अब एक बात बता, अपना हो कोई तो कहूँ भी कुछ, और जब अपना है ही ना पड़ोसी है तो मुझे क्या पता। पड़ोसी आपके यहाँ कौन कौन रहते थे जब यहाँ से वो गए हैं, उनसे पहले कौन कौन रहे भाई? परदादी भी रहे भाई, दादा भी रहे भाई, सभी रहे भाई, और अब तो कोई भी ना। अच्छा। जब से वो शकील गया, शकील भी हुई पैदा हुआ। हाँ। इतना सा गया उसका बाप। अच्छा। हाँ। कितने साल मान लो लगभग? ऐसे हो गए 50-60 साल। 50-60 साल हो गए। दिल्ली रहने लगे थे सब लोग। अब यहाँ घर जैसे उनका ये पड़ा है जर्जर हो चुका है। हाँ। हो गया है। नहीं कोई आता है कभी? कोई नहीं गांव में। और रिश्तेदार कोई उनके? ना रिश्तेदार भी ना आते। रिश्तेदार है कैन दो बहन। क्या करते थे जमीन, क्या करते थे? वेल्डिंग। वेल्डिंग काम करते थे उनके परिवार भी सब? कि लोहार है ना। हाँ। तो लोहारों में तो वेल्डिंग ही ज्यादा करें। और भी उनका खानदानी रहता था कोई यहाँ पर? उनके और भी घर है कोई इसके अलावा? यही घर है बस। से एक अकेला ये घर? हाँ, अकेला घर है और ना कोई भी है, अकेला घर है ये। चलिए अब भाई हम तो पड़ोसी हैं। हाँ। हम तो किंगे ही जा रहे हैं। हमारी क्या, जब हम पड़ोसी हैं रान रूड़ी वैसे अपने लीपिया में पोतिया में करके खा लें, बस ये हुआ हमारा। अच्छा, जब यहाँ उनका नाम आया था, उसका नाम आया था दोषी जो पाया गया है शकील, तो उस दौरान यहाँ पुलिस आई थी? आई आई पुलिस रही थी यहाँ पर। कितने दिन रही? 3-4 दिन रही है। अच्छा, पुलिस रही है यहीं, लेकिन कह कुछ ना रही पुलिस। जब हाथ ही ना आया, देखा ही ना, तो करती क्या पुलिस? फिर रही पुलिस, फिर जब दादी दादा भी ना आए। दादा भी ना आए। तो ये उनके पड़ोसी थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि उनका परिवार पिछले करीब कई वर्षों से यहाँ पलायन करके दिल्ली रह रहा है। और ये मैं दिखाना चाहूँगा जो गुजरात ब्लास्ट कांड में दोषी पाया गया है, ये उसका परिवार का घर है और देख सकते हैं इसमें चौखट नहीं जर्जर हो चुका है। अंदर की जो स्थिति है वो बिल्कुल खंडहर बन चुकी है। जो छत है वो टूटी हुई है, क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर ये साफ लगता है कि वो परिवार यहाँ से काफ़ी समय पहले पलायन कर गया था और वो दिल्ली में ही रह रहा था। हालांकि जब हम टीम हमारी यहाँ पहुँची
तो गांव वालों को भी ये इल्म नहीं था कि इस तरह की वो हरकत करेगा, और उन्हें ये अंदाज़ा भी नहीं था कि कोर्ट इस नतीजे तक पहुंच पाएगी। हालांकि कोर्ट के इस फैसले से ग्रामीण और शायद कहीं ना कहीं परिवार भी अपने सहयोगी शमसुद्दीन सैफी के साथ। मैं हामिद सैफी, Time 24 न्यूज़, बुलंदशहर। गाँव से शहर तक, राजनीति से सियासत तक, सिनेमा से खेल जगत तक, जनता झेल रही है महंगाई की मार। क्या पाक को मिलेगा जवाब? जनता खिलाएगी कमल या उठाएगी हाथ? किसके सर पर सजेगा सियासी ताज? खबर हमारी दिखाएगी आपको हकीकत। Time 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।